गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो है लोक संत पीपा। ये दूसरा लोक संत के बारे में पार्ट है। इससे पहले का जो था वो लोक संत दादू दयाल और अब है लोक संत पीपा। इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, आगे का जो भाग है वो हमको आगे पढ़ना है। देखिए, सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। सच्चा गुरु मिल जाए व्यक्ति को, सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक जो मनुष्य होता है, सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को, माया मोह को त्याग कर इस भवसागर से, संसार रूपी सागर से को पार कर सकता है। संसार रूपी सागर को पार करना मतलब उद्धार होना, मतलब मोक्ष। सच्चा गुरु मिलेगा तभी संसार रूपी सागर पार कर सकता है, तभी उसका मोक्ष हो सकता है। गुरु रामानंद को ही भी श्रेय देते हैं, संत पीपा हैं जो गुरु रामानंद को ही श्रेय देते हैं कि उन्होंने उनके पूरे जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया। यदि गुरु रामानंद नहीं मिलते तो पीपा भी एक शासक बनकर, एक राजा बनकर अपने कामों में लगे रहते, वो भगवान की भक्ति की तरफ नहीं जागृत होते। वे गुरु रामानंद को ही श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में बदल दिया। गुरु रामानंद ही थे जिन्होंने पीपा जो लोहे के थे, लोहे से काय में बदल गए, सोने में बदल गए। यानी साधारण का जो जीवन था वो एक श्रेष्ठ जीवन में बदल गया उनका। किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद के से? गुरु रामानंद के आशीर्वाद से। और अपनी चरण रस देकर संसार के फंदे को काट दिया, और अपने चरण रज, अपने चरणों की धूल देकर, चरण रज चरणों की धूल देकर संसार के फंदे को काट दिया। यानी सांसारिकता के जाल को काट दिया, माया मोह के जाल को काट दिया अपने चरणों की धूल देकर। लोह पलट कंचन क्यों सदगुरु रामानंद, पीपा पद रज है सदा मिट्यो जगत को फंद। लोह पलट कंचन क्यों सदगुरु रामानंद, सदगुरु रामानंद ने लोहे को पलट कर, बदल कर, कंचन कर दिया, स्वर्ण में बदल दिया। क्योंकि यहाँ लोहा राम पीपा के जीवन को कहा गया, और रामानंद के मिलने के बाद जो उनका जीवन बना वो स्वर्ण के समान हो गया। लोहे से बदल, लोहे को बदल कर क्या बना दिया, स्वर्ण में बदल दिया। कौन? सदगुरु रामानंद। पीपा पद रज है, अरे पीपा तो उनके चरणों की धूल है। मिट्यो जगत को फंद, उन्होंने जगत का पूरा सांसारिकता का फंदा हटा दिया, मेट दिया। पीपा की मान्यता थी, पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। संत पीपा ये मानते थे समाज में सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। केवल केवल और केवल मनुष्य ही छोटा या बड़ा बनाते हैं, वैसे जन्म से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। जब सभी लोग एक ईश्वर की संतान हैं तो फिर मनुष्य मनुष्य में कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। परम पिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। जो हम जीवों का निर्माण करने वाले भगवान हैं, परम पिता परमात्मा हैं, वो भी संतान में, अपनी संतान में कोई भेदभाव नहीं करता। जब भगवान से अपनी संतान में, जब भगवान मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करता, हम कौन होते हैं मनुष्यों में भेद करने वाले? उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है। बच्चों आपने पढ़ा है वर्ण चार होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जब वर्ण चार होते हैं तो फिर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान की नज़र में न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। एके मार्ग ते सब आया, एक ही मार्ग जाएं, सभी एक ही मार्ग से आए हैं। भगवान ने सबको जन्म दिया है, एक ही मार्ग जाएं, सभी मरकर मरने के बाद एक ही मार्ग पर जाएंगे। जन्म एक मार्ग से लिया, सब मरकर एक मार्ग पर जाएंगे। एको माता पिता सभी के, और सबका माता पिता एक ईश्वरी है। विप्र शूद्र को नाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से, पीपा के इन उपदेशों से प्रभावित तो होकर ही, इन उपदेशों के प्रभाव से ही कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा के, इन उपदेशों से प्रभावित होकर ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त
मीरा बाई भी उनसे प्रभावित हुई थी। कृष्ण की जो अनन्य भक्त थी मीरा बाई, वो भी पीपा के उपदेशों से प्रभावित हुई थी। पीपा के भक्तिभाव, पीपा के भक्तिभाव से और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची। मीरा ने देखा कि बहुत गहरी बहुत गंभीर भक्ति करते हैं संत पीपा, उनकी भक्ति भाव से प्रभावित होकर और भगवान के प्रति उनके समर्पण को देखकर, त्याग को देखकर मीरा उनसे मिलने के लिए पहुंची। मीरा ने अपनी पदावली, मीरा की जो रचना है मीरा पदावली, मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से अपने मिलने का संकेत भी दिया है। ये बताया है कि भाई वो पीपा से, संत पीपा से मिली थी। मीरा बाई ने अपनी रचना में लिखा है, पीपा को प्रभु परचो दीनों दियो रे खजानों पूरो। भाई पीपा को प्रभु ने अपना परसा दिया, परिचय दिया और दियो खजानों पूरो, पूरा अपना खजाना ज्ञान भक्ति सब कुछ पीपा को दे। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा, पीपा ने अपनी भक्ति के द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ी बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। शिक्षा मिल रही है, क्या क्या किया। एक तो पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा समाज के जो उपेक्षित वर्ग थे, समाज का उपेक्षित वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग को बेकार समझा जाता है, जिस वर्ग की उपेक्षा की जाती है वो समाज का उपेक्षित वर्ग होता है। जैसे लखेरा वर्ग होता है वो समाज का उपेक्षित वर्ग होता है। ये तो खैर लखेरा की तो एक मजाक की बात है, जो नीची जाति के लोग माने जाते थे, जो हरिजन हैं, एससी एसटी वाले हैं, इनको उपेक्षित वर्ग का माना जाता है। तो उपेक्षित वर्ग के हृदय में क्या क्या भाव जागृत किया। पहला, आत्मविश्वास। दूसरा, आत्मनिर्भर। तीसरा, हिम्मत। चौथा, दृढ़ निश्चय। ये चार बातें कही, चारों बातों को समझ लो। ये चारों बातें पीपा ने किसके लिए कही, समाज का जो उपेक्षित वर्ग था उसके लिए कही। ये चारों बातें पीपा ने किसके लिए कही, समाज का जो उपेक्षित वर्ग समझा जाता था उस उपेक्षित वर्ग के लिए कही। इनमें पहली बात आत्मविश्वास, समाज के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें भी आत्मविश्वास का भाव होना चाहिए। दूसरा, आत्मनिर्भरता, समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को भी अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों की दया पर, दूसरों की कृपा पर कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हिम्मत, यानी समाज के जो दीनहीन और उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और दृढ़ निश्चय, कि जो सोच लिया एक बार कि हमको ये करना है तो वो फिर करना ही है, दृढ़ निश्चय का भाव होना चाहिए। और रूढ़ी बंधनों को तोड़ने का, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, इन बंधनों को, इन रूढ़ी मान्यताओं को तोड़ने का आग्रह किया, भाव जगाया। राजा होते हुए भी आपको मालूम है, आपको मैंने बताया था कि संत पीपा राजा थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, सीता। राजा होते हुए अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कोई राजा अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाए, लेकिन राजा होकर भी अपना सब कुछ छोड़कर, संपूर्ण वैभव त्याग कर काय में लगे, समाज सुधार में लगे और निर्गुण भक्ति की साधना की। बता दिया था आपको निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं, मैं उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा दूसरा कि एक व्यक्ति राजा होते हुए भी राजा का पद छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर समाज सुधार के काम में और भगवान की भक्ति में लग जाए।
यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे, लोग संत के रूप में लोग पीपा को इसलिए भी पसंद करते थे, लोगों में इसलिए भी वो अत्यधिक प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। हिंसा को नहीं मानते थे, किसी भी जीव के प्रति हिंसा करना उनको बिल्कुल अनुचित लगता था। लोग संत पीपा को हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, वे मांस भक्षण की भी वे सर्वथा निंदा करते थे और वो इस बात के भी कभी पक्षधर नहीं थे कि मांस कब खाया जाए। एक जीव जीव को खाए, जीव जीव से आहारम, इस बात के भी घोर विरोधी थे। मांसाहार को वे वर्जित मानते थे, कभी भी व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल वर्जित मानते थे, निषेध मानते थे। क्या कहा संत पीपा ने, जीव मार जीवन करे खाता करे बखान, पीपा परतक देख ले थाली माही मसान। जो मृत्यु भोज करते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके लिए जीव मार जीवन करे, वो जीव को मार तो कर जीते हैं, पहले तो जीव को मारेंगे और फिर उसको खाएंगे, जीवन करेंगे। खाता करे बखान, और खाते हुए उसका बखान करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। अरे इससे शर्म की क्या बात होगी कि जीव जीव को खा रहा है। पीपा परथक देख ले, पीपा कहते हैं कि हे मानव तू प्रत्यक्ष में देख ले, अपनी आंखों से देख ले, थाली माही मसान, तू क्या खा रहा है, थाली में तो तेरे शमशान है, जो चीज़ शमशान में होनी चाहिए वो तेरी थाली में है, मतलब मांसाहार के घोर विरोधी। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। ये उपदेश देते हुए चारों तरफ वो भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, ये उपदेश देते रहे और जहाँ जहाँ भ्रमण किया उन्होंने वहाँ वहाँ इसी प्रकार का उपदेश दिया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती, जहाँ जहाँ जाते उनके भक्तों की और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगद्दी त्याग कर भक्त बने, किसी को पता चलता कि साहब ये राजा थे, अब राजा का पद छोड़कर राजगद्दी त्याग कर ये भक्त बने, भगवान की भक्ति करने लगे, उपदेश देते हैं, तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती कि यार ऐसा कौन व्यक्ति है जो राजगद्दी छोड़कर भगवान की भक्ति करने लगा है, जो लोगों को उपदेश दे रहा है। बड़े बड़े राजा नवाब धनिक आदि उनके उपदेश सुनते थे, बड़े बड़े राजा धनवान लोग नवाब ये उनका उपदेश सुनने के लिए आते थे। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते थे, संत पीपा हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, भगवान की भक्ति करो लेकिन मंदिरों में जाकर मूर्तियों की पूजा करना, इसके विरोधी थे। राजस्थान के लोग संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। जो भारतीय समाज सुधारक हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इनके लिए भी इनका जीवन प्रेरक है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी, लोकवाणी में भी लोगों की वाणी में भी लोगों के गीतों में भी आ गए, वो भजनों में भी आ गए। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान है, आज भी राजस्थानी लोकगीत हैं उसमें संत पीपा के भी गीत गाए जाते हैं, उनकी वाणी अमर हो गई। पीपा की जो वाणी है वो अमर हो गई, कभी नहीं मरेगी, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक उनके गीत चलते रहेंगे, उनकी चर्चा होती रहेगी। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है, उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है। राजस्थान में भी साहब उनकी भक्ति से ही, उनके उपदेशों से ही समाज सुधार की बातें आई, समाज में सुधार हुआ। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर, आहू और काली सिंध दो जगह हैं, इन नदियों के संगम स्थल पर बना प्राचीन जलदुर्ग उनका जन्म स्थल तथा शासन स्थल रहा। ये वहीं उनका जन्म हुआ और शासन किया उन्होंने, यहीं उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, यहीं पर उन्होंने भक्ति की, वो जिस जगह भक्ति की वो गहन गुफा है जहाँ गहन भक्ति की। समाधि स्थल मरने के बाद इन्होंने समाधि इनकी बनाई गई, वो जगह है इनकी समाधि जहाँ बनाई, तथा विशाल मंदिर है और आश्रम विद्यमान है, विशाल मंदिर और आश्रम है। माना जाता है कि विक्रम संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गए, परंतु जीव मात्र की समानता के पक्षधर, ये सभी जीवों की समानता के पक्षधर थे,
यानी कोई जीव जीव में कोई भेदभाव, जीव जीव में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, इस बात के पक्षधर थे। लोग संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं, ये मरकर भी नहीं मरे, आज भी हमारे दिलों में ये जीवित है। ठीक है बच्चों, ये अध्याय हो गया है, क्वेश्चंस देख लो। वस्तुनिष्ठ का पहला, दूसरा, तीसरा, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक भय के गलत मात्रा लगी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लघुत्तरात्मक का, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब सारे करने, निबंधात्मक आठ नौ दस, यानी एक से लेके दस क्वेश्चन करने हैं आप, एक से लेके दस प्रश्न करने हैं, कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।